हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट लेटेस्ट न्यू। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में ऐसी कॉमेडियन एक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 90 के दशक में अपनी कॉमेडी से अलग ही पहचान बनाई है। इन्होंने कई टीवी सीरियल और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया जिससे इन्होंने अपनी इस दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुड्डी मारुति की, जिन्होंने लोगों के दिल में एक अलग ही छाप छोड़ी है। इनका जन्म 4 अप्रैल 1959 को मुंबई में हुआ था। इनका रियल नेम ताहिरा था। इनको ये गुड्डी नेम मोहम्मद देसाई ने फिल्मों में काम करने की वजह से दिया था, क्योंकि इनका अधिकतर फिल्मों में नाम गुड्डी रखा जाता था। इन्होंने 10 साल की उम्र में एज ए चाइल्ड एक्ट्रेस अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत जान हाजिर से की थी, लेकिन अपने पिता की डेथ के बाद इन्हें अपना ये काम कंटिन्यू रखना पड़ा ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। लेकिन इनके फिजिकल अपीयरेंस के बाद इन्हें फिल्मों में कॉमेडी रोल मिलने लगा। इन्होंने 80 से 90 दशक तक लगभग 97 मूवी में काम किया है। इन्होंने टीवी सीरियल में लास्ट टाइम डोली अरमानो की में काम किया था। इसके बाद इन्होंने कई पॉपुलर मूवी में काम कर चुकी हैं जैसे खिलाड़ी, शोला और शबनम, आशिक आवारा, दूल्हे राजा और बीवी नंबर 1। इन्होंने 2006 में अपने कैरियर से ब्रेक ले लिया। इसके बाद इन्होंने 9 साल बाद 2015 में अपने कैरियर की वापसी की। इन्होंने वापसी के बाद हम सब उल्लू हैं मूवी, जो कि कॉमेडी थी, उसमें काम किया। अभी हाल ही में ये टीवी सीरियल उन दिनों की बात है में BJN कॉलेज की प्रिंसिपल के रूप में नज़र आई थी। अभी 2019 में हेलो जिंदगी में नज़र आएंगी। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएँ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।